जय जगन्नाथ, नमस्ते। आशा करछि भलरे थिबे समस्ते। तो आज आम जो ग्रामर सीरीज गोटे नुआ टॉपिक एड करिया पय जाउछु, जहार ना कोन अछि ना प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन गोटे बहुत डिमांडेड टॉपिक एवं बहुत कन्फ्यूजन टॉपिक मध्य, काहे ना एथरो बहुत सारा क्वेश्चन आमर एग्जाम रे आसे, आमे कन्फ्यूज हेकि एथरो मते भूल मध्य करिके आसु। तो आज आम से प्रीपोजिशन को बहुत इजी वे रे एवं लॉजिकल वे रे बुझाय पय चेष्टा करियो कि कोन सिचुएशन ने आमे कोन प्रकार प्रीपोजिशन यूज करिवा। तेनु विलंब न करी चालंतु आरंभ करिवा। प्रिपोजिशन टॉपिक को जीवा अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बुझाना पड़ो कि एक्जाक्टली प्रिपोजिशन कौन, देन आम जानवे कि कौन सिचुएशन आम प्रिपोजिशन को यूज करूँ। जदि तुमको वन वर्ड में पचार एक्जाक्टली प्रिपोजिशन कौन, तुम्हें एमती भी कहीपर प्रिपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। जमी आम नाउन को कौन कहते ना नेमिंग वर्ड, से तुम्हें प्रिपोजिशन को कौन कहीपर ना रिलेटिंग वर्ड। तुमको सर कौन रिलेटिंग करुच्च, कहीं रिलेटिंग वर्ड कौन बुझाई चेस्ट करवा। देख मुझे डेफिनेशन कौन लिखी ना प्रिपोजिशन इज ए वर्ड, मुझे कौन कहे ना प्रिपोजिशन गोटे वर्ड जो थी कौन हम ना दैट शो अ रिलेशनशिप। सी कौन करा गोटे रिलेशनशिप देखे। अच्छा जदि से रिलेशन देखा रिलेशन देखा निहाती तो तुमको दुईटा लोक दरकार, गोटे लोक तो कभी रिलेशन देखे तेल क्या क्या भितर से रिलेशन देखुच्ची जाना चेस्टा करवा। तो कौन कहली प्रिपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो रिलेशनशिप क्या क्या भितर ना बिटवीन नाउन प्रोनाउन टू अदर वर्ड इन द सेंटेंस। सी कौन कहे ना गोटे सेन्टेन्स जो नाउन प्रोनाउन तार रिलेशन देखुची, जो सेंटेंस रो अदर किसी वर्ड अच्छी ता सहित रिलेशन देखुची। तो सर टी कन्फ्यूजन लगुनि, आस देखा बुझाप चेस्टा करा। तो मुझे कह भी सी कौन कहला ना सी रिलेशनशिप देखा, सपोज ये हूँ प्रिपोजिशन जी रिलेशनशिप देखा क्या सहित ना गोटे नाउन किंबा प्रोनाउन सहित। तो रिलेशन देखा अदर वर्ड इन द सेंटेंस, सेंटेंस रो आउ किसी वर्ड अच्छी जहाँ सहित सी कौन करुच्छे ना रिलेशनशिप देखा। अच्छा मतलब बर्तमान को आम जब प्रिपोजिशन वर्ड को आम डिवाइड करियो आम कौन पाउचे ना सर प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन। अच्छा तुम्हें प्री मैंने जानो जमीक आम यूज कर प्रीपेड सीम, प्रीपेड सीम मैंने आगुआ तुमको पैसा देवाई पड़ो तापर तुम्हें यूज कर। जब तुम्हें पोस्ट पेड कहता मैंने कौन तुम्हें फास्ट यूज करतापर जितकी टाँग तुम बिल होती तुम्हें देन पेमेंट कर। तो प्री मैंने कौन ना आगर बुझी। तो ये कौन अच्छे ना प्री पोजिशन, पोजिशन मान गोटे स्थान, स्थान आगर से बस ही कहु कौन ना प्री पोजिशन। ताल एटी जो कौन रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, ताल से कौन कौन ना गोटे नाउन आउ प्रोनाउन पछरे बस प्री पोजिशन, पछरे बस से रिलेशनशिप देख ना अदर वर्ड इन द सेंटेंस, सेंटेंस रि आउ किसी वर्ड अच्छी ता सहित सी कौन देख ना रिलेशनशिप देख बुझी कि ना। सिंपल मुझे तुमको कहबी कि प्रिपोजिशन इज ए वर्ड जी कि रिलेशनशिप देखा क्या सहित ना गोटे नाउन और प्रोनाउन पछरे बस से रिलेशन देखा क्या सहित ना अदर वर्ड जो मैंने अच्छा सहित से रिलेशनशिप बिल्ड कर। अच्छा मत कह सर जदि से रिलेशन बिल्ड कर जो अदर वर्ड भितर किए थी ना ये अदर वर्ड भितर गोटे नाउन भी थपे आउ कौन थपे ना प्रोनाउन थपे आउ कौन थपे ना गोटे वर्ब थपे आउ किए थपे ना गोटे एडवर्ब थपे आउ किए थपे ना एडजेक्टिव होपे बुझीपरच। तो सी कौन कहे ना गोटे नाउन प्रोनाउन आगर बस से प्री पोजिशन देख रिलेशनशिप बिल्ड कर इधर नाउन प्रोनाउन भाव एडभाव एडजेक्टिव ए मान सहित सी कौन कर रिलेशनशिप बिल्ड कर बुझी कि ना। एक्जाम्पल दे तुम्हें बुझीपार कि प्रिपोजिशन एक्जाक्टली कौन। देख मुझे एक्जाम्पल लिखी द न्यूज पेपर इज ऑन द टेबल, ताले मुझे कौन कहली ना न्यूज पेपर अच्छी क्या उपरे ना टेबल उपरे अच्छी। ताले मते कोई ये प्रिपोजिशन कौन ना सर ऑन होची हमर प्रिपोजिशन। मते कह जदि हमर ये ऑन न थांता आम कहते रिलेटिंग वर्ड ये कौन कर रिलेशन जोड़ू क्या क्या सहित ना सर टेबुल सहित न्यूज पेपर जे टेबुल न्यूज पेपर अच्छी भितर से रिलेशन जोड़ू बुझे से कौन कहली ना रिलेटिंग वर्ड कहली। बर्तमान मत कह ये ओन जदि मुझ सेन्टेन्स न रखी ये प्रिपोजिशन को जब न रखी सेन्टेन्स तुम कौन हो न्यूज पेपर इज द टेबुल मैंने न्यूज पेपर हूँ टेबुल सेन्टेन्स पूरा गोलमाल हो जाऊ सेन्टेन्स रिनिंग ही पूरा चेंज हो जाए सेपाई कहुची प्रिपोजिशन सब रिलेशनशिप बिल्ड करे आमको देखाए कि न्यूज पेपर सहित टेबुल कौन रिलेशन कि टेबुल न्यूज पेपर अच्छी से रिलेशनशिप बिल्ड करदी से रोनी तेल कौन हम ना न्यूज पेपर इज द टेबुल मैंने न्यूज पेपर हूँ टेबुल संपूर्ण अर्थ ही चेंज हो जाए बुझी से आम कौन यूज करूँ ना आमर प्रिपोजिशन को यूज करूँ जी कि बसे क्या आगर ना नाउन किंवा प्रोनाउन टेबुल गोटे कौन ना गोटे ना से नाउन किंवा प्रोनाउन बुझी कि तो यहाँ गोटे नाउन टेबुल तो आगर बस प्री पोजिशन बसिक रिलेशन क्या सहित जोड़ू ना न्यूज पेपर सहित जोड़ी बुझी तो कौन कहला ना प्रिपोजिशन इज वर्ड जी बसुच क्या पूर्व ना नाउन किंवा प्रोनाउन पूर्व देन रिलेशनशिप बिल्ड कर आमर क्या सहित नाउन प्रोनाउन भार वेड भार एम सहित रिलेशनशिप बिल्ड कर। अच्छा मत बर्तन को ये वर्ड सहित से रिलेशनशिप बिल्ड कला ये गोटे कौन
ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଉନ୍, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ନାଉନ୍, ତ ତା ସହିତ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଲ୍ଡ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଇଦର ସେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ସହିତ ରିଲେସନ୍ କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କିମ୍ବା ଭାର୍ବ ଆଡ୍‌ଭର୍ବ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି। ଆସେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ କାର୍। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା କାର୍ଟା କ'ଣ ନା ଅବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାର୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନାଉନ୍। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କାହା ସହିତ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି ନା ହି ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି। ହି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସାର୍, ସେ ନାଉନ୍ ବଦଳିଲେ ବସେ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରୋନାଉନ୍। ତାହେଲେ ହି ଧର ମୁଁ କହିବି ରାମ କାର୍ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ରାମ ନ କହିକି ମୁଁ ସେ କାର୍ ଭିତରେ ଅଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ରାମକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି କ'ଣ ବସାଉଛି ନା ନାଉନ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ଯିଏ ବସେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହି ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି କାହା ସହିତ ନା ହି ସହିତ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବିଲ୍ଡ କଲା ନା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ସହିତ, ଏଠି କାହା ସହିତ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ସହିତ, ବୁଝିହେଉଛି ତ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଲିସନ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ଟିଚର। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ଟିଚରଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମେ ଟୁ ଲଗେଇଛୁ କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ଇଏ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କାହା ସହିତ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି ନା ଲିସିନ୍, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ଶୁଣିବ ନା ଟିଚରଙ୍କୁ ଶୁଣିବ। ତାହେଲେ ଟିଚର ଆଉ ଲିସିନ୍ ଭିତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି କି ନା ଆମର ଟୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଲିସିନ୍ଟା କ'ଣ ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ଭର୍ବ, ତାହେଲେ ଭର୍ବ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି, ହି ରାଇଟ୍ସ ୱେଲ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଏଜ୍। ତା ଏଜ୍ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ସାର୍ ଫୋର୍ ଅଛି, ହି ଏଜ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି ନା ୱେଲ୍। ସେ କେମିତି ଲେଖୁଛି ନା ଭଲ ଲେଖୁଛି ତା ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୋତେ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଆମର ଭର୍ବ, ଭର୍ବକୁ ଯିଏ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ନା ଆଡ୍‌ଭର୍ବ। ତାହେଲେ ଇଏ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କାହା ସହିତ ବିଲ୍ଡ କଲା ନା ଆଡ୍‌ଭର୍ବ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଛି, ହି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଏଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ହି ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଏଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇଟିରେ ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଉନ୍। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ନା ସେ କେଉଁଥିରେ ଭଲ ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଭଲ। ତାହେଲେ ଭଲ ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କିଏ ନା ଏଇ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ଟା ଏଠି କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ନା ଗୁଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଡ୍‌ଜେକ୍ଟିଭ୍, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଇଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନାଉନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପଛରେ ବସିବ? ଦେଖ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ରେ ସେ ନାଉନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପଛରେ ବସେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ନାଉନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପଛରେ ବସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ସେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଲ୍ଡ କରେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖି ଦେଖ, ୟୁଜୁଆଲି ବିଫୋର୍ ଦ ନାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ସେ ୟୁଜୁଆଲି ନାଉନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପଛରେ ବସେ, ବଟ୍ ନଟ୍ ଅଲୱେଜ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ତୁମେ କହିବ ନାଉନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପଛରେ ବସିବ, ତା'ର କୌଣସି ସେମିତି ନିୟମ ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଲୁକିଂ ଫର୍, ତ ଏଠି ଫୋର୍ ଲାଗିଛି କେଉଁଠି, ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ। ଏଠି ତ ନାଉନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ସାର୍ ପ୍ରି ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନାଉନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପଛରେ ହିଁ ବସିବ। ଦେଖ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ହିଁ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି କି ତୁମେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ସବୁବେଳେ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ବସିବ ନାହିଁ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଡ଼, ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବ? ନାହିଁ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇନଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଇନ୍, ଅନ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଟୁ, ଏଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ହୁଏ? ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ହୁଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମଲ୍ଟି ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍, ଏକର୍ଡିଙ୍ଗ ଟୁ, ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବି କହିପାରିବନି, ମଲ୍ଟି ୱାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଆସେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ର ଭୂମିକା କ'ଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍। ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସେ କି ଏ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ସେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ୱିଥ୍ ଲଜିକାଲ୍ ୱେରେ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ତାକୁ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍, ତ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଏ। ତ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେମିତି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍କୁ ପଢ଼ିବା ନା, ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପଢ଼ିବା, ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା, କମ୍ପେୟାର କରିକି ଦେଖିବା ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଜ୍ ଆସିପାରେ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଟା ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ପାର୍ଟ ଟୁ, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ନା, ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଆସେ। ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ିବା, ଅଦର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କିଛି ଫିକ୍ସ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ସିରିଜ୍କୁ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ତା ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଏସ୍ପେସିଆଲି କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଅନ୍, ଇନ୍, ଅପନ୍, ଇନ୍ ଟୁ, ଅନ୍ ଟୁ, ଅଣ୍ଡର, ଏବୋ, ବିଲୋ, ବେନିତ୍, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଆଜି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଓନ୍କୁ ଆମେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
देन आम अदर प्रिपोजिशन को धीरे धीरे कवर करवा तो एक्जाक्टली कौन सिचुएशन आम ओन को यूज करूँ तो एक नंबर कौन अच्छी प्लेस्ड इन द कंटाक्ट विथ एनी सरफेस सी तेल कौन कहे ना जी कौन सरफेस सहित किसी कंटाक्ट्रे अच्छी आम से कौन यूज करा ना ओन को यूज करा जमी मार्कर को मुझे मो फेस सरफेस कंटाक्ट्रे मुझे रखी तेल कौन करवा ना आम कौन कह मार्कर इज अन माई पाम बुझे तो सेमती ये कौन लिखी देख गोटे पिक्चर करें गोटे जिनस अच्छी गोटे बक्स बनाई लगे कौन अच्छी गोटे बल अच्छी तो सिचुएशन में जो सरफेस लगे थी आम ओन यूज कर एक्जामपल देखिए कौन लिखी द बुक इज ऑन द टेबल टेबल उपरे बुक अच्छी तो से कौन कौन ना ओन यूज कर सिचुएशन बुझे द बुक इज ऑन द टेबल सेमती देयर इज अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड तुम्हें खाली कह सर सरफेस कौन एमती टेबल अच्छी तापर रही खाली ऑन कह सपोज आम कह गोटे व्हाइट बोर्ड अच्छी किमती कांथ अच्छी कांथर किसी जिन सरफेस चिपकी अच्छे से कौन आम ऑन यूज करें ऑन जमीक नोटिस बोर्ड में नोटिस मरा होता है सेटाई कौन तहत एटाच हो तो आम कौन कौन ना ऑन यूज करवा से देयर इज अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड तुम कांथर गोटे पिक्चर टंगाई थो तो भी तुम ऑन कर पिक्चर इज ऑन द हैंगिंग ऑन द वॉल तुम एमती भी कर अच्छा नेक्स्ट कौन अच्छी डे और डेट तुम कौन से डे कि डेट आगे कौन यूज करना आम ऑन को यूज करमती जिते भी डे आसू आम जमीक मंडे ट्यूजडे वेन्सडे जहाँ भी डेट आसू ता आगे आम कौन यूज करूँ ना सब ऑन को ही यूज करूँ आउ क्या पूर्व ना डेट जो थी जो स्पेसीफिक डेट ताकूम ऑन यूज करूँ कौन जमी तुम बर्थडे आगे तुम्हें कौन कर ना ऑन तापर तुम बर्थडे डेट कमी लिखो कि जो डेट आगे मुझे देख एक्जामपल लिखी On Monday, on Sunday, on 27th March 2022, MTV हमें लिखुचे I was born on 19 January 1996, तो हमें on को यूज करुचे बुझे स्पेसिफिक डेट आगे मध्य हमें कहा को यूज करुचे ना on को यूज करुचे आशा करते समस्त डिटेल बुझि पार्थिवो बर्तमान देखिए आउ कौन सिचुएशन सर्टेन साइड जदि हमें कौन से साइड को देखिवा तो सेतेले मध्य हमें on को यूज करु जेंति कि से मो लेफ्ट साइड रे ठिया हिचे ही इज ऑन माय लेफ्ट साइड बुझि पार्छो ही इज ऑन माय राइट साइड तो एमती भी हमें यूज करु सेतै मैं लिखि देखो ही इज स्टैंडिंग ऑन द राइट ही इज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट तुम्हें ऑन मध्य कौन साइड देखा तुम्हें ऑन को यूज कर पार चार नंबर कौन अच्छी आउ कौन सिचुएशन है ना टू शो अ स्टेट कौन से गोटे स्टेट को देखा तुम्हें ऑन को यूज कर देखार अच्छे कौन कौन सिचुएशन यूज करमी एक्जामपल लिखी एम एस धोनी इज ऑन फायर सपोज तुम्हें क्रिकेट मैच देखो कमेंटेटरी मध्य हो देखो एम एस धोनी छका उपर छका मारी चलते तो से कौन कह एम एस धोनी इज ऑन फायर मैंने से कौन निया छिड़ा होता ना सेतेबे कौन ना से सिचुएशन ना से बहुत बढ़िया मार्चुंदी भल प्रदर्शन करुँ तो सही समय ऑन फायर मध्य यूज कराए बुझी अच्छा आउ कौन सिचुएशन ना लेमन इज ऑन डिमांड वर्तमान लेमन आमर जो लिंबू वर्तमान देखीछ लेंबू तार गोटे गोटे लेंबूर पीस दस टाँग होगा जोटा कि आगे टंकाटे मिलूला दुईटा लेंबू बुझीपार तो सी वर्तमान बहुत डिमांड अच्छे तार भाव अधिका बुझी तो से कौन लिखी ना लेमन इज ऑन डिमांड नाउ तो से सिचुएशन गोटे स्टेट देखा डिमांड जो स्टेट देखुची आम ऑन यूज कर सेमती ही इज ऑन प्रेशर सी वर्तमान प्रेशर में अच्छे कौन पर प्रेशर अच्छे ना जेहतु एक्जामिनेशन ता मुंड उपर अच्छे से प्रेशर अच्छे तो ये सिचुएशन आम ऑन को यूज करूँ अच्छा आउ कौन सिचुएशन ना बिफोर डिवाइस और द मशीन कौन से डिवाइस कि मशीन ता आगर मध्य हमें ऑन को यूज करछु जेमती कोन ना आई वाज वाचिंग क्रिकेट ऑन टेलीविजन टीवी लेखछु ही प्लेज गेम ऑन मोबाइल अच्छा बिफोर एनी बॉडी पार्ट आमर कोन से बॉडी पार्ट पूर्वर मध्य हमें कहा को यूज करू ना ऑन को यूज करू जेमती मु लेखछु कोन ना ही हिट्स ऑन माय लेग से मो लेग रे हिट कले बा मारले मो लेग रे अच्छा माय मदर किस्ड ऑन माय फोरहेड मो मा मो फोरहेड रे मते किस कले बुझी पर्छो तो सेटी मध्य हमें बॉडी पार्ट फोरहेड अछि ता आगर हमें ऑन को यूज करछे लेग अछि ता आगर हमें ऑन को यूज करछे सेमती आउ कौन अच्छी ना ज्वेलरी लुक्स गुड ऑन हर नेक ता बेकरे से ज्वेलरी बहुत बढ़िया लगुच बुझे जो नेकलेस को आम तो से कौन लगाई ना ऑन तार नेक अच्छे जेहतु बॉडी पार्ट ता आगे आम कौन कर नेक जमीक आम कौन कह ना ही वेयर द रिंग ऑन हिज फिंगर से तार फिंगर रे कौन पिंधि ना रिंग पिंधि तो बॉडी पार्ट फिंगर आसला तो आगे आम ऑन यूज करवा तो यही सब सिचुएशन आम कौन यूज करे ना स्पेशली ऑन को यूज करे बर्तमान देखा ऑन रो आउ कौन कौन सिचुएशन आम ऑन को यूज करे जमीक ऑन रे आउ कौन अच्छी ना अपन अच्छी सेमती कि ऑन टू अच्छी तो केतला हमें अपन यूज करिया केतला हमें ऑन टू यूज करिया हमें कंपेयर करके देखिया जेहेतु हमें ऑन को स्टार्ट करछे देन हमें देखिया कोन सिचुएशन हमें अप ऑन यूज करछे एवं ऑन टू यूज करछे तो वर्तमान हमें देखिया डिफरेंस बिटवीन कोन ना अप ऑन आउ कोन ना ऑन टू भीतर डिफरेंस कोन कोन सिचुएशन ताको हमें यूज करिया डिटेल ताको पढिया पय चेष्टा करिया तो ऑन माने मु कोन कहिना कोन से सरफेस उपर ऑलरेडी गुडे जिंसो अछि सेडी हमें ऑन यूज करथले किंतु अप ऑन माने कोन ना कोन से दिनसो गुडे मोशन रे आसीला ता उपर पडिला बुझि पर्छो किंतु सेडी बसिबार इरादा अछि कि नै हमें जाननु पड़ जाए पारे मैं ठिकरिक जमी ये देखो पिक्चर पिक्चरटा बनई देख गोटे जिनस आसला बस कि ना आम जानू कि पड़ जाए पारे
तो से जो आसिक सरफेस उपरको जो आसला ताकू ही आमे कौन यूज करू ना ओपन यूज करू। देखो ये मुझे लिखी इन्हें मोशन टू ए सरफेस जदि कौन सी जिनस मोशन ने आसला गोटे सरफेस उपरको तो से आम ओपन यूज करू जमीक द केट जम्प अपन द रेट केट जो जम्प करे रेट उपरको तापर बसापी जम्प करटाक कैर खाइबापी तो सीटा गोटे सरफेस के मार गोटे रेट ताक ही से जम्प करापर बसापी से जम्प कर तो से सीचुएसन आम कौन यूज करे ना अपन यूज कर देख द केट जम्प अपन द रेट द लायन स्प्रांग अपन द डियर स्प्रांग मैंने जो छलांग मारे आम कौन कौन ना स्प्रांग कौचे बुझीपार तो द लायन स्प्रांग अपन द डियर क्लियर। तो जदि कौन जिनस कौन कर टारगेट करे सरफेस उपरूक कौन यूज करे मोशन में आसिक अपन यूज करे। अच्छा आउ सिचुएशन आम अपन यूज करे ना अबाउट टू हैपन जदि कौन जिनस मैंने बहुत जल्दी आसला आम पाक बहुत जल्दी से जिनसा हम तो से आम कौन यूज करे ना अपन जमी कौन अच्छे ना दिवाली इज अपन आस अगेन दिवाली पुणी आम पाक ना आसीगला मैंने पुणी दिवाली आसीगला आम सेलिब्रेट करवा पुणी बाण फुटे तो से आम यूज करूँ ना अपन। अच्छा आवर एग्जाम विल सून बी अपन आस आम एग्जाम बहुत जल्दी हबार अच्छे बुझीपार से समय आम कौन यूज करूँ ना अपन को मध्य यूज करूँ। अच्छा कि ओन टू आम कौन सिचुएशन में यूज करें लॉजिकली बुझाप चेस्टा करा नुहे कि आम तोका मार एमती बसीद जहाँ पार गोटे ओम नम शिवाय कर बसीद सेमती नुहे तापर आम डिटेल लॉजिक बुझाप चेस्टा करा ये कौन अच्छे देखो ना यूज अफ ओन टू मूव टू ए डेस्टिनेशन जदि आम कौन गोटे जिनस को लेकिन गोटे डेस्टिनेसन रखिदे रखार आम इरादा अच्छे बुझीपुच नुहे कि से पक पुणी आउ कौन उठी जी बुझे ए कौन ना ओनली से सरफेस को टारगेट करता है ये कौन कौन जिनको मूव कर नहीं कौन सरफेस रखुचे तो से आम ऑन टू जमी आम टू लिखू कौन पर गोटे डेस्टिनेशन आम टू लिखू तो सरफेस डेस्टिनेशन को गोटे जिनस आसो से आम ऑन टू यूज करे बुझीपार देख मूव द बुक ऑन टू द टेबल ए बुकटा को नहीं जाओ से टेबुल रखिद बुझीपार जी आगर गोटे बुक अलरेडी टेबुल था कौन यूज कर था द बुक इज ऑन द टेबल कि मूव द बुक ऑन टू द टेबल बुझे। अच्छा अच्छा सेमती आउ कौन राजा क्लाइम्ड ऑन टू द थर्ड फ्लोर राजा कौन कल ना क्लाइम्ब अप करी गला कौटी तार डेस्टिनेसन टू कौटी जी सी थर्ड फ्लोर गोटे सरफेस ताकूक सी जाए मुव करके थर्ड फ्लोर को से आम यूज करें ऑन टू। अच्छा सेमती संदीप स्टेप डाउन फ्रम द ट्रेन ऑन टू द प्लाटफर्म तेल संदीप कौन कल ना ट्रेन रु ओह प्लाटफर्म गोटे सरफेस ताकूक सी मुव करके आसला तो से आम कौन यूज कले ना आम ओन टू को यूज कले बुझी या भितर आ भितर डिफरेन्स कौन तो आशा करें तो मैंने डिटेल बुझीपार प्रिपोजिशन अफ प्लेस कौन तो प्रिपोजिशन अफ प्लेस आम एंड ही ना आहुरी बहुत सारा प्रिपोजिशन अफ प्लेस अच्छी आम कंपेयर करके देखा बहुत सारा एक्सरसाइज करवा अंडर में और आम जिते भी कन्फ्यूजन अच्छी दूर करने चेषा करवा तेणु ये भिडियो आज एति आम पुणी आउ गए नेक्स्ट भिडियो कंटिन्यू कर तो तुमने पढ़ू था आगे बढ़ू था आम पुणी देखा आउ एक भिडियो तो से पर्यटन विदाय ना जय जगन्नाथ।